बहुत काला था, फिर मैंने आरा रोट यूज किया तो मैं दूध की तरह गोरा हो गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज फाइनली हम जाएंगे किचन में, मदर्स डे स्पेशल बनाएंगे एक दिन बाद। तो कल भी बना के खा दिया, आज भी खा दिया। कल के लिए तो मैंने मना कर दिया था ना, लेकिन आज बनाऊंगी, आज तो पक्का बनाऊंगी। गर्मी के इस मौसम में किचन में जाऊंगी, कितना बड़ा काम करूंगी। आ जा, अब वो तो बना ही दूंगी बाद में, लेकिन पहले दिन की शुरुआत तो कर दो चाय के साथ। चाय के साथ जा, ब्रश कराना, खुला करा, चल ब्रश कर। मैं तो रोज ही नहीं करती यार, चल गाड़ी। अब आज ये पहले ब्रश ही करवाएंगे मेरे से, मेरा पूरा टेस्ट खराब कराएंगे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ब्रश करके चाय पीना। हाँ। मुझे बासी पेट चाय पीना पसंद है, चाय पीना ही सा। तो गाइस, सुबह सुबह मम्मी ने तो मेरे साथ बहुत बड़ा खेला खेल लिया। मुझे ब्रश भी करने भेज दिया और चाय भी अपने लिए मुझे खुद ही बनानी पड़ रही है। इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है मेरे साथ मम्मी यार। भगवान प्लीज, हम बालकों पे रहम खाओ, हमारे साथ इतने बड़े बड़े धोखे मत होने दो। सो गाइस, झाड़ू पोछा यहाँ हो चुका है और पापा जी तैयार हो रहे हैं। सिंगम तैयार हो गया तेरा झाड़ू पोछा? हाँ हो गया। हो गए तेरे पापा तैयार? हो तो गए थे तैयार, तैयार होने के बाद भी एक घंटा इधर उधर पता नहीं क्या कर रहे थे, क्या घूम रहे थे पता नहीं। इतने 9 बज गए। तो लड़कियां भी इतना टाइम नहीं लगाती है रेडी होने में जितने मेरे पापा लगाते हैं। एक घंटा नहाने में लगाएंगे, पता नहीं क्या करते रहते हैं। मम्मी क्या करते हैं पापा बाथरूम में? एक घंटा नहाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं यार। हम भी इतना टाइम नहीं लगाते हैं। तो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में और बहुत भूख लग रही है। अब अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैं पहले खाना खाऊंगी। क्या बनाया मम्मी आज? कढ़ी और इसमें चावल है। हाँ। चावल अभी बनाया है ना? हाँ। सूसू हो रही है, सीटी मार रहा है कुकर लड़की को देख के, ये पीली साड़ी वाली लड़की है। तो गाइस, लंच यहाँ पर मेरा रेडी है, बिना नहाए धोए हम खाने बैठ गए। अच्छा, ये लगन। तो गाइस, फाइनली पापा जा रहे हैं, फाइनली वो रेडी हो चुके हैं पूरी तरह। ये लगन मंगा रहे हैं। जिस दिन से ये होता है ना कि आज से शादी के सारे कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, आज से आज मतलब गणेश पूजा है, उस दिन ये लिखा जाता है। जिस लड़की के अभी एक महीने पहले सगाई हुई थी ना, उसका उसकी कल शादी है, तो ये आज लगन जाएगा लड़के वालों के यहाँ। हमारे घर से सब इकट्ठा होके इसको लेके जाएंगे। क्या होता है मम्मी इसमें? हल्दी की गांठ होती है, धूप होती है और चावल, बस। कुछ लिखा विखा नहीं होता? लिखा हुआ होता, सबके नाम लिखे, सब फैमिली मेंबर्स के इसमें नाम लिखे रहते हैं। और ये लगन जब लिखा जाता है ना, तो जिस लड़की की शादी है उसके घर में इसको नहीं रखा जाता, किसी और के घर में रखा जाता है। ये देखिए, इस गाड़ी वाले को भी आना था, मैं इसको देख के आती हूँ ना, वरना पापा चिल्लाएंगे। चलिए गाइस, बनाते हैं कल वाली रेसिपी को। अगर आज नहीं बनाया था तो मम्मी टोंट मारेगी। सो गाइस, रितु द शेफ यहाँ पर रेडी है चॉपिंग के लिए। सुन लो, कहीं खराब तो नहीं हो रहा? अगर खराब बन गई ना तो मम्मी चिल्लाएगी। तो वैसे इन सबको तो काट पीट के हमने तमाम कर दिया, इनका काम तमाम कर दिया। अब आपको ले लेने हैं उबले हुए छोले, जो कि आपको खुद नहीं उबालने, अपनी मम्मी से उबलवाने हैं। आप जल जाओगे ना, छोटे बच्चे हो। पहले मैं बहुत काला था, फिर मैंने आरा रोट यूज किया तो मैं दूध की तरह गोरा हो गया। मम्मी। हाँ। यार ये कढ़ाई यहाँ रख दो तेल। गाइस, मेरे बिना तो काम ही नहीं होता। सैफ देख, वैसे सैफ बन रहा है, नाम का सैफ भाई। तेल की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग चुकी है, तेल एकदम परफेक्ट आग बबूला हो रहा है। गाइस, बहुत देर हो गई है इन्हें फ्राई करते करते, अभी तक ये अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है। इन्हें कोई बताओ, इतनी देर में तो गर्लफ्रेंड पट जाती। आवाज सुनो, कड़क से एकदम मस्त। तो गाइस, रितु द शेफ यहाँ पर रेडी है अपने हथियारों के साथ, तो चलिए जंग लड़ते हैं और जीतते हैं। तो गाइस, पानी वानी डल के अब अच्छे से फूक चुका है, सारे वेजेस अच्छे से गल चुके हैं। बस अब हम इस सब में डाल देंगे फलाना डिमकाना, जो भी आपके पास है सब भर देना है। तो अब गाइस फाइनल इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। तो फाइनली गाइस, कड़ी मेहनत के बाद हमारा ये बन चुका है, और यहाँ देखो मैंने क्या कबाड़ा फैलाया हुआ है। मेरी शक्ल देखो, मेरे कितना पसीना आ रखा भाई किचन में। करिए सर, अरे यहाँ क्या भिगोवा करके चलते, बनदान को संगवाओगे मम्मी। लो मम्मी खा के बताओ कैसे लग रहे हैं। देखने में क्या लग रहे हैं? क्या लग रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं देखने में, गांवों में ना नुक्स निकाल लिए, हलवा बना के आटे का हलवा। हाँ।
अच्छे लग रहे हैं या नहीं? क्रंच थोड़ा कम हो गया होगा क्योंकि ये ठंडे हो गए हैं अब, है ना? नहीं क्रंच तो लग रहा पर सिरका जैसा लग रहा है। सिरका? गाइस मम्मी ने ये सारे खा लिए हैं और बोल रही थी सिरके जैसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे थे वैसे लग रहे हैं, लग रहे पर बैठे बैठे मैच सारे खा दिए। मैच देखते देखते ना सारे खा दिए, पर मैं चम्मच से नहीं खाती हूँ, मैं हाथ से स्वाद आ रहा हाथ से खा रही हूँ। मतलब टेस्ट भी तो लग रहे है ना, सिरका ज्यादा पड़ा। सिरका तो डाला ही नहीं है, विनेगर तो है ही नहीं घर में, ना सोया सॉस थी इसमें, ऐसा लग रहा बस चटनियाँ डाली है। वैसे खाना पीना सबको हो चुका है, सबने अच्छे से मस्त एकदम बर्तन सारे चाट पीट के खत्म कर दिए हैं, और मम्मी ने सारा खा लिया लेकिन मम्मी को टेस्टी नहीं लगा, स्वाद बिल्कुल नहीं आया। मतलब अजीब बात है ना, इसका मतलब ये है कि मैंने अच्छा बनाया था, टेस्टी बनाया था, चुम्मेश्वरी बनाया था, लेकिन मम्मी को तारीफ नहीं करनी है, मम्मी को तारीफ करने में कंजूसिया करनी है, यही बात है ना मम्मी। तो इसीलिए गाइस मैं अपना प्रमोशन ना खुद ही कर लेती हूँ, किसी के तारीफ के भरोसे नहीं बैठती, और आपको भी यही सलाह दे रही हूँ, आप भी अपना प्रमोशन खुद ही कर लिया करें। अगर अपना प्रमोशन खुद नहीं करोगे तो दुख पाओगे आने वाले टाइम में। ठीक है, अब आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और वीडियो पसंद आई हो, व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। आप साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएगी। अब आपसे मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।